बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। सो आज हम लोग जा रहे हैं शूट करने के लिए, एक रील शूट करने के लिए जा रहे हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ कॉस्ट्यूम लेने के लिए पहले। और गेस व्हाट, फाइनली द सोनारे इज बैक इन मुंबई आफ्टर 1 मंथ। और ये फुल मजे करके आया पुणे में, कैम्प करने गया था UDW। मेरी बहुत इच्छा थी बट कुछ रीज़न से कर नहीं था, बट इसने किया तो मैं इससे सीख लूँगा। और ये बहुत मजे करके आया, उधर पार्टी वार्टी करके आया है अभी। सो बहुत खुश है, अभी देखते कब तक इसकी खुशी टिकती है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉस्ट्यूम लेने के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे स्टूडियो। पर्सनल हेयर ड्रेसर रखा है मैंने, दैट इज जोई, जो हमारी रील शूट करने वाले हैं आज। सो बहुत घाई गड़बड़ हो गई तो मैं वो चक्कर में शूट नहीं कर पाया, मैं फटाफट गया कॉस्ट्यूम लेने के लिए, फिर भाग के यहाँ पे आया। अभी लास्ट के 10 मिनट मेरे बचे हैं जिसमें मुझे मेरा रील ख़त्म करना है। टाटा बाय बाय, उसके बाद मिलते हैं। बेस्ट कॉस्ट्यूम दिखा देता हूँ, इधर पैच है, बाय। और सब गाइस, तो शूट हो गया एंड बहुत जल्दी में निपटाना पड़ा क्योंकि 2 घंटा मिला था एंड उसमें 4 लोगों को शूट करना था, तो मेरा सबसे लास्ट था। तो मैंने थोड़ा ही वो शूट किया जो आपको कॉस्ट्यूम वगैरह देखा है, उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे एक दूसरे जगह आना था मीटिंग के लिए, जहाँ पे हम दोनों भी आए हैं। सो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, और द कैबिन इज सुपर। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, फिर जैसे मीटिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग घर जाएंगे एंड खाना बनाएंगे, डेली रिचुअल, दीदी के जाएंगे मजे करेंगे। और प्रैक्टिस का तो अभी देखते घर जाके करना है, क्योंकि ऑलरेडी अभी डांस वांस के तो थक गया हूँ, घर जाके देखते। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं घर और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने 12th फ्लोर पे। बड़े दिनों बाद 12th फ्लोर पे जा रहा हूँ मैं। क्रिकेट खेलने गए थे? क्रिकेट के लिए गए थे नहीं, अभी जाएंगे। जा रहे हो क्या? हाँ। सही है भाई, ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, जिंदगी हमारे साथ क्रिकेट खेल रही है। जिंदगी अगर अच्छे से नहीं सवारी है तो फिर ये क्रिकेट खेलना हमारे साथ। जिंदगी अगर अच्छे से नहीं सवारी है तो फिर खेलना हमारे, जिंदगी अगर अच्छे से नहीं सवारी तो हमारे साथ क्रिकेट खेल लो, तो अब से मैं डेली जाऊंगा इनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए। बाय, चलो ऊपर जाते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना बनाते हैं। गाइस, तो मैं आ गया घर, फ्रेश फ्रेश हुआ और मैं थोड़ा रेस्ट ले रहा था, तो लोकेश ने मुझे गाली देके बोला कि बीप ब्लॉग चालू कर, तो मैंने चालू कर दिया। और देखो भाई, फुल मेहनत कर रहा है, रोटी वोटी डाल रहा है। फाइनली बैक टू रियल वर्क, रियल लाइफ। ये इसने मेरे को आटा मारना सिखाया है, बाकी रोटी डालना मैंने इन दोनों को सिखाया है। आती थी डेली रिचुअल खाना बनाने का है। अभी मैं बना रहा हूँ भिंडी की सब्जी, चलो आओ मेरे साथ सब्जी बनाते, ठीक है? चलो, गेस व्हाट, वेलकम बैक टू माय किचन, प्रदीप ऑन हिज ड्रिल रोटी बनाने की, और मैं बना रहा हूँ भिंडी की सब्जी। सो लेट्स गो। एडिट कर रहा है व्लॉग, इसका काम हो चुका है आटा मारने का, इसने अपना काम कर दिया है, तो अभी हम हमारा कर रहे हैं फटाफट। चलो पागल हो गया ये, किसी के मैसेज आ रहे, रुको आड़ा मुंडी करके देखने दो। अच्छा, फटाफट फटाफट खाना बन रहा है आज। सुना, एक बार रेसिपी खोलना भिंडी के फूल में, तेरे सारी रेसिपीज हमने एक दूसरे को शेयर करके रखी है नोट्स की थ्रू एयरड्रॉप। सो जिसका फोन अब मेरे से शूट हो रहा है तो मैं इसके फोन में देख लेता हूँ, सिर्फ ऑयल का अंदाजा वैसे तो है बट एक कंफर्मेशन चाहिए था। तेरे को तो आती है ना? आती है मेरे को बट एक अंदाजा थोड़ा सा, बट ठीक है। चल, भिंडी की सब्जी पकने को बहुत टाइम लगता है बट। सो गाइस, वेलकम टू खाना का खजाना एपिसोड 3। मैं हूं संजीव कपूर, मैं आपका दोस्त जावेद जाफरी बगी बगी के साथ। टकेशिस कैसल, टकेशिस कैसल। तो जो कोई भी मुझे बोलता है तुझे खाना बनाना आता है ये वो, और मुझे गलत समझते हैं, मेरे ब्लॉग में वो सब देख सकते हैं कि we cook daily for ourselves and too much English. हाँ
ले चली किस गली ये जिंदगी, है पता लापता हूँ प्यार में, अनकही अनसुनी चाहत। देना हाथ में, पलटना यूं, पतली हाँ इतनी पतली डाल। मैं थोड़ी पतली रोटी खाता हूँ तो मैंने इसके लिए बोला, इसको बोला कि मेरे लिए थोड़ी पतली रोटी डाल। जो हुआ बोलना आगे, याद ही नहीं आगे। तो साले गाना क्यों चालू किया फिर? मैं तो एक ही लाइन गा रहा था पहले। हुआ नहीं आज फिर शिकवा कोई प्यार कर लो यकी, ऐसा है क्या है? आजा जुदा हम ऐसे मुझे आटा थोड़ा टाइट है तो उसको अच्छे से बेल, और बेल तो रहे हैं। प्याज पकड़े, फिर मैं मिर्च डालूंगा, टमाटर, हल्दी, नमक एंड देन भिंडी एंड उसको पकने दूंगा। चल गाइस, कल ये कढ़ाई देने आया था, आज क्या देना है? कुछ खाने के लिए लाया है, ये मैं बाद में बताऊंगा। फ्रिज में नहीं रखते वो चीज, उधर ही रख दे या लोकेश के पास रख दे। सोमांश सोमांश चोमांश मोडिशस मेरी डाली। सोमांश पप्पी देने आया ना? इग्नोर मारता, ये लड़का थोड़ा सा बड़ा हो गया। बट ये रही मेरी आलू भिंडी और ये रही इसके फूल का। प्रो बंदे, तो गर्मी हो गई, मैं अच्छे से इसको पकने देता हूँ 10-15 मिनट तक, और फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश हो जाऊंगा, फिर देखते हैं। गाइस खाना बना लिया मैंने फटाफट, आई विल शो यू। ये मेरी आलू भिंडी है और रोटी तो प्रदीप बना चुका है, बट उसके बाद भी हम लोग क्या खा रहे पता है? समोसे मेरे फेवरेट है, एंड मेरे फेवरेट है समोसे। तो आलू भिंडी के पहले भी थोड़े मैं समोसे खा रहा हूँ, और ये भी बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मैं नागपुर जाता हूँ, सबसे पहले समोसे खाता हूँ। सो गेस व्हाट, हमने बहुत मेहनत से खाना बनाया जो हमने खाया नहीं, क्योंकि समोसे से हमारे पेट भर गए, तो हम कैसे भी लेट सोते हैं, तो हमने खाना रख दिया, हम रात को खाएंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे अमेजोन प्राइम पे अधूरा को पूरा करने, मतलब अधूरे काम को पूरा करने। ये ब्लॉग एडिट करेगा, हम लोग दोनों सीरीज देखेंगे, एंड ये सोच रहे होंगे क्या है इसमें पीने का पानी लेने जा रहा हूँ मैं नीचे दीदी के यहाँ पे। सो और लिफ्ट आ रही है, हम आ गए नीचे। थोड़े दया, ये बिग बॉस लवर, दिस गाइस आर बिग बॉस लवर। वेयर इज चोमा? चोमा पा पा पा, ओए ओए खाना हो गया तेरा? इस सोमांश ने अभी अभी मुझे दो जूते गिफ्ट किए, ये वाला भी मुझे दे। ओए मेरे, आपको ये अगर बड़े होते तो मैं दे देता। बड़े है मेरे को हो जाएंगे। तो कब बड़ा होगा बोले? हाँ कितने नंबर का? ये देख, ये देख फिट हो गया, देख दे दे, ये वाला भी फिट हो गया, देख। हाय 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 हाय, एक मैं पहनूंगा, एक आप पहनो। हाँ चलेगा, ये दो मैं पहनूंगा।
तो तू दो एक एक पेन, मैं ये दो एक एक पेन था है? मेरे है गाइस, रात के 2:30 बज रहे और हम लोग बस यूं ही वाइब कर रहे, कभी कभी रात को प्रैक्टिस कर लेते। सो प्रैक्टिस हम लोग क्या देख रहे, तारक मेहता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल रात को 3:30 बजे टीवी देखते देखते हम लोग कब सो गए हमको पता ही नहीं चला, एंड सीधा मैं सुबह 10 बजे उठा। तो मैंने उठा, फटाफट ब्रश वश किया, घर का थोड़ा साफ सफाई किया, एंड पहले मैंने ब्लॉग शूट किया कि पहले बता दूँ, मैं भूल गया था रात को शूट करना क्योंकि बहुत लेट हो गया था, हम लोग सो गए थे तो याद नहीं रहा शूट करना। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।